इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। आप तो इंट्राडे के अंदर ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसमें आप इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट कर पाए? क्या आपको पता है इंट्राडे में कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है कल को? अरे भाई क्यों पकड़ रहे? अगर मुझे पता होता तो क्या तेरे वीडियो देखने आता? वो भी सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, नॉट ओनली तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, उसके अंदर एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो स्टॉक ऑफ द डे होगा। तो तीन स्टॉक को हम लोग अब देख लेते हैं। तो कल के लिए यानी कि 25 जुलाई के लिए जो तीन इंट्राडे स्टॉक्स रहेगा वो पहले हम लोग जान लेते हैं। नंबर वन जो रहेगा वो रहेगा जी लिमिटेड, नंबर टू रहेगा सन फार्मा के ऊपर, नंबर थ्री रहेगा भारती एयरटेल। लेकिन इन तीनों में से जील जो रहेगा, जील एंटरटेनमेंट, वो स्टॉक ऑफ द डे रहेगा। वो स्टॉक ऑफ द डे क्यों रहेगा वो जानने के लिए बाकी दोनों स्टॉक को जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, मैं बता दूँ सीरीज़ के अलावा भी मैंने यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्टॉक का एपिसोड चलाता हूँ, लाइव करता हूँ, बहुत कुछ अपडेट्स देता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और पास में देखिए बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपके पास अपडेट्स मिलता रहे, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और स्क्रीन पर देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत कुछ इनपुट्स मिलता है अभी तक उसके अंदर नहीं है, तो आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहता है उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ लिंक्स है वहाँ पर, टेलीग्राम चैनल करके वहाँ पर जाके भी आप ऐड हो सकते हैं। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और पहला हम लोग भारती एयरटेल को देखेंगे, नंबर थ्री भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूँ एवरी ट्रेड के पीछे यहाँ पर लॉजिक होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस लॉजिक को समझे। अगर विदाउट एनी लॉजिक खाली लेवल देख के ट्रेड हो जाता तो मैं यहाँ पर खाली लेवल ही देता है ना, तो वो वैसे नहीं होता है। तो उसके वजह से मैं लॉजिक देता हूँ, उसको समझना पड़ता है। आप अगर लॉजिक विदाउट एनी लॉजिक काम करेंगे तो लॉस होगा। तो वीडियो को स्किप ना करके धीरे धीरे देखिए। यहाँ पर मैं एक चैनल ड्रॉ करूँगा भारती एयरटेल के अंदर, जो कि बहुत ही एक मतलब समझने वाले बात है। यहाँ पर अगर आप देखें इस टोटल एरिया का, यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर भारती एयरटेल ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर देखिए रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे करते हुए दोबारा सपोर्ट लिया और इसके बाद ये डॉटेड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अगर कल दोबारा इस एरिया को जाते हैं, काटते हैं और ये जो इसका जो चैनल है इसके ऊपर एटलीस्ट 897, तो 897 के ऊपर ये अगर जाएगा और उसके ऊपर जाके अगर 10 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट उस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तब ये हम लोग यहाँ से बाई करेंगे। ये देखिए ये बाई का लेवल मैंने दे दिया हूँ। ये अगर 10 मिनट सस्टेन होने के बाद 1-2 रुपये इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन सस्टेन होने दीजिए। और अगर कल देखते कि सीधा यहाँ से नीचे आ गया और ये जो यहाँ पर बटन बनाया था ये दो बार यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक डाउन किया, यानी कि 882, 883, उसके नीचे आके अगर भारती एयरटेल इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन होता है तो हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने बाइंग एंड सेलिंग दोनों लेवल, शॉर्ट सेलिंग दोनों लेवल मैंने दे दिया हूँ, उसके हिसाब से देख के ट्रेड लीजिए। एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा व्यू मेरा लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एडुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और जो सेकंड रहेगा उसको देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर बोलना और लाइव मार्केट में ट्रेड करने में बहुत फ़र्क होता है। आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में टाइमली उसको हैंडल करना पड़ता है, टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट, टाइमली स्टॉप लॉस, सारे चीज़ें टाइमली करना पड़ता है, तो वहाँ पर चूक हो जाते हैं, लॉस होता है। तो अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास आपके लिए लाइव हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। यानी कि पहला जो है स्क्रीन पर देखिए मेरा इंट्राडे ऑप्शंस के ऊपर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पर मैं 2 से 3 व्यू देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर एवरी डे ऑन लाइव मार्केट, और एवरी टाइम पे मैं उसको अपडेट करते जाते हूँ। यानी कि जो भी होता है लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स है, अगर आपको इसके अंदर मेंबरशिप लेना है बहुत प्रॉफिटेबल है, 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। सेकंड आप देखिए ये जो आ गया है मेरा इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, यानी कि अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये है। यहाँ पर 1 से 2 व्यू डेली बेसिस में देता हूँ, यहाँ पर भी आपको हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट मिल जाएगा।
और गाइडेंस मिलेगा। बहुत सारे मेंबर से 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और अगर आप दोनों को एक साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शंस के ऊपर एंड इंट्राडे इक्विटी के ऊपर दोनों के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये देखिए पैकेज अवेलेबल है। ये दोनों आपको मिलेगा 4 to 5 व्यूज डेली बेसिस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पैकेज के अंदर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 999 में तीन दोनों यहाँ पर दोनों सर्विस आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सअप करके पैक वहाँ पर आप मुझे मेंबरशिप के लिए बोल सकते हैं। और जो थर्ड वैरायटी है स्क्रीन पर देखिए, ये मेरा BTST STVTFNO सेगमेंट के ऊपर है, एक फ्यूचर के ऊपर, एक ऑप्शन के ऊपर, दो व्यू मैं यहाँ पर देता हूँ एवरी डे। बहुत बढ़िया ट्रेड होता है इसके अंदर। अगर आपको जोड़ना है 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है, तो इंट्राडे ऑप्शंस के ऊपर 699 पर मंथ का, इक्विटी इंट्राडे के ऊपर 599 पर मंथ का, और BTST एस्टिविटी के ऊपर 899 करके छोटा छोटा करके फीस है। जो भी सेगमेंट आपको सूटेबल लगे, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, व्हाट्सअप कीजिए और वहां पर फटाफट से मेंबरशिप के लिए बुक कर लीजिए। चल पड़ते वीडियो के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं कल का एपिसोड से मैंने कल के जो एपिसोड दिया था आज के लिए तीन स्टॉक, उसको मैं रिव्यू कर दूंगा। पहला स्टॉक जो मैंने दिया था वो था हम लोगों का ITC। ITC के अंदर जैकपॉट लगा, ठीक है। बाद में जाके एक्टिवेशन हुआ था, थोड़ा नीचे सेल करने के लिए मिला, मौका थोड़ा नीचे मिला था, मुझे पता है, क्योंकि एक कैंडल में नीचे चला गया था, 10 मिनट यहाँ पर सस्टेन हुआ था, उसके बाद भी ये नीचे गया। मतलब ह्यूज प्रॉफिट दिया है, मतलब बोल नहीं सकते कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है यहाँ पर। लगातार 4% गिरा है आज यहाँ से। ITC 492 से एकदम 468 चला आया, और कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है हम लोगों का सेल साइड में। सेकेंड जो था सिप्ला के अंदर थोड़ा लॉस हुआ। मैं यहाँ पर हम लोगों का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हो गया था, 10 मिनट सस्टेन हो गया था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा ऊपर चला गया, हम लोगों का 4-5 यहाँ पर थोड़ा बहुत 0.5% लॉस यहाँ पर देखने को मिला, वहाँ पर क्लोजिंग हो गया। और थर्ड जो था आपका DLF स्टॉक ऑफ द डे, इसके अंदर भी जैकपॉट प्रॉफिट हुआ। इसके अंदर भी हम लोगों का यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया था 495 के आसपास, उसके बाद इसने 492 के आसपास प्रॉफिट दिया। तो तीनों में से दो प्रॉफिटेबल था, सिप्ला के अंदर छोटा सा लॉस हुआ, बाकी दोनों के अंदर ह्यूज प्रॉफिट हुआ। अगर आपको मैच करवाना है, मेरे एपिसोड है, पुराने एपिसोड मेरे वीडियो के अंदर है, चैनल के अंदर जाइए, वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, जाके मैच करवा लीजिए। और ऐसे तीन व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए ये बाजार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सबसे बड़े बात दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगता है ये प्रोग्राम। कुछ भी पूछना है, जानना है, कोई भी क्वेरी करना है कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ भी शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कीजिए। 30+ कमेंट टारगेट है, 100+ लाइक टारगेट है, मुझे चाहिए इस वीडियो के नीचे आज की आज। तो थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक और कमेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, दिल खोल के कीजिए, ठीक है। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और कल के लिए जो सेकंड स्टॉक रहेगा उसको देखते हैं। नंबर 2 जो रहेगा, एक हम लोगों का फार्मा सेक्टर स्टॉक सन फार्मा के ऊपर, इसका भी लॉजिक आप समझिए पहले, स्कीप ना करके। बार बार मैं बोलता हूँ, स्कीप करेंगे तो आपका 100% वहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक चैनल ड्रॉ कर दूंगा, आप देखिए ध्यान से देखिए, देखिएगा ये, देखिए ये एरिया के ऊपर मैंने चैनल ड्रॉ कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस हुआ, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, एक ही बार इसी अंदर ट्रेड हो रहा है। तो फिर से अगर ये ऊपर जाएगा और इस एरिया को काटेगा, यानी कि इसका जो काटने वाला रेट आ रहा है सन फार्मा का, वो आ रहा है 1110। तो 1110 के ऊपर अगर ये जाएगा और जाके उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा 10 मिनट सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है बाय करेंगे, और ये अगर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जो बटन बना है इसको काट देते हैं, जो कि आ रहा है 1097, उसके नीचे अगर ये सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग उसको वहाँ से 10 मिनट सस्टेन होने से वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। तो दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे आपके सामने है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। फाइनल व्यू में जाने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ, एक मानसून ऑफर मैंने यहाँ पर लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट किया था, मेरे सारे कोर्सेज के ऊपर 20% इंस्टेंट डिस्काउंट है अभी के लिए, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी सीखना है, इंट्राडे मास्टर ट्रेडर, ऑप्शन इंट्राडे, जो भी आपको सीखना है कोर्स,
अगर करना है तो वहाँ पर आपको 20% मेरे सारे कोर्सेस अलॉन्ग विद गोल्डन ब्रेकआउट सारे चीज़ें के ऊपर 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पर जाके जो भी आप चूज़ करेंगे कोर्स या पैकेज वहाँ पर जाके आप उसको बाई कर सकते हैं। और एकदम चेकआउट पेज में जाके आपको बिग 20 बोल के कूपन मिलेगा, उसको अप्लाई कर देने से आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एकदम चेकआउट पेज में। और अगर आप चाहते हैं मेरा वेबसाइट के यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन संदीपन चक्रवर्ती ऐप अवेलेबल है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और फाइनल व्यू यानी कि स्टॉक ऑफ द डे जो रहेगा उसको हम लोग जल्दी देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ द डे रहेगा जील के ऊपर, जी एंटरटेनमेंट। ये क्यों स्टॉक ऑफ द डे रहेगा वो जानने के लिए एनालिसिस को देखना पड़ेगा। बार बार मैं बोलता हूँ स्कीप ना करके देखिए, इसके अंदर भी मैं एक यहाँ पर चैनल ड्रॉ कर दूंगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समझ पाएंगे। ये देखिए ये चैनल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर ये ट्रेड हो रहा है, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहां पर थोड़ा टूट गया था और यह चैनल के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ। तो इस एरिया के नीचे दोबारा अगर काटते हैं यह जो स्विंग लो बनाया था 220, उसके नीचे जाके अगर वो वहां से 10 मिनट सस्टेन हो जाते हैं तब हम लोग उसको वहां से शॉर्ट सेल करेंगे और बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर से, यानी कि ये यहाँ से जाएगा, इस टॉप को काटेगा, चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर 10 मिनट सस्टेन हो जाएगा, तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। तो देखिए कैश का दोनों का ही लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। एंड स्क्रीन में मेरा जो ब्रेकआउट स्टॉक का एपिसोड है मैं जोड़ दूंगा, उसके साथ मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है, एक यूनिक तरीके का प्रोग्राम है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उसके अंदर, तो जाके एक छोटा सा वीडियो है ज़रूर देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।